हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं होममेड केक प्रीमिक्स। जो घर के ही मटेरियल हम घर के ही सामान से हम प्रीमिक्स बनाएंगे और इसी से मैं आपको स्पॉन्ज बना के दिखाऊंगी कि अगर बाहर जाने का टाइम नहीं है, नहीं ला सकते हम बेस बनाने के लिए प्रीमिक्स, तो घर में आसानी से घर के चीजों से प्रीमिक्स कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये मैदा है, देखिए ये मैदा मैंने लिया है 270 ग्राम। आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैदा है 270 ग्राम। बेकिंग में ऊपर नीचे मत करिएगा, करेक्ट वजन करके ही आप लीजिएगा। मैदा है 270 ग्राम और हाँ, मैंने पीसी हुई शक्कर, यानी घर में शक्कर जो उसको मिक्सर में चला लीजिए और चाल लीजिए, पीसी हुई शुगर मैंने लिया है 165, मैंने 165 ग्राम पीसी हुई शक्कर है और मैदा है 270 ग्राम। और ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर कॉर्नस्टार्च अलग होता है, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर है 15 ग्राम, ये कॉर्नफ्लोर है 15 ग्राम। और ये देखिए बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है 9 ग्राम और ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है 6 ग्राम और ये नमक है, 3 ग्राम। जैसे मैंने बताया है करेक्ट इसी मेजरमेंट से ऐसे ही वजन करके आपको लेना है, तब जाकर आपकी प्रीमिक्स एकदम परफेक्ट और क्लियर बनेगी। और ये देखिए, ऐसे आपके दुकान पर मिल जाएगा बोलना, नींबू के फूल बोलते हैं या तो इंग्लिश में सिट्रिक एसिड बोलते हैं। ये हमें लेना है हाफ टी एसपी, 1/2 हाफ टी एसपी आपको लेना है। देखिए कुछ चीजें हैं कि बिना मेजरमेंट से बेकिंग, बिना क्लियर मेजरमेंट से नहीं बनती है। सब्जी नहीं, दाल चावल नहीं है कि फटाक से कुछ भी करो ऊपर नीचे चलेगा, नहीं, इसमें करेक्ट चाहिए। मैंने लिया है हाफ टी एसपी, ज्यादा नहीं लिया मैंने, हाफ टी एसपी लिया, हो गया। कितनी सी चीज जानी आपको और आसानी से आपको वेनेला प्रीमिक्स बन के रेडी होगा। अब मैं बताती हूँ मैं क्या करूँ। इसमें मैदे में मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया है हाफ टी एसपी। अब इसे मैं पीसी शक्कर डालूंगी, देखिए पीसी हुई शुगर इसी में डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर ये भी इसी में जाएगा, बेकिंग पाउडर ये भी इसी में जाएगा, बेकिंग सोडा ये भी इसी में जाएगा और ये नमक, इसे हमें मिक्स करना है। देखिए और आपकी होममेड प्रीमिक्स बन के रेडी हो जाएगी। आप ऐसे बना के आराम से एयर टाइट डब्बे में एक महीने के लिए रख सकते हैं। और मैं आपको इसकी अभी स्पॉन्ज बना के भी दिखा, ऐसे मैंने मिला दिया, आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब क्या करेंगे, इसे हम एक जार लेंगे, मिक्सर जार लेके उसे चला लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने एक ऐसे मिक्सर जार लिया है, अब इसमें क्या करेंगे, इसे ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े 2-2 मिनट चला के लाएंगे और इसे अच्छे से चालेंगे। इकट्ठे मत करिएगा, दो बार में डिवाइड करिए, आधा ले लिए, आधा ऐसे भी चला के लाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने एक अच्छी सी बाउल लिया है, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्सर में चला लिया है। देखिए अब इसे क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, इसको भी मैं ऐसे ही चला के ला के फिर इसमें डालती हूँ। इसको भी मैं चला के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको भी ला दिया, ये भी ला दिए। अब कुछ नहीं करना, बस पीछे अच्छे से स्पेचुला से आपको मिक्स करना है ताकि सारी केमिकल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए, अब मेरे को अगर एक ही 1 kg का केक का ऑर्डर आया तो मैं इसमें 1 kg केक के लिए 8 इंच की टीन लगती है, उसमें जो बेस बनेगा 1/2 kg का बनेगा, तो उसके लिए हमें प्रीमिक्स चाहिए 330 ग्राम। मैं इसमें से 330 ग्राम वेट करके लाती हूँ, 330 ग्राम में वजन करके लूँगी। ये हमारी, देखिए हमारी प्रीमिक्स रेडी हो गई। आप चाहें तो इसे एयर टाइट डब्बे में करके एक महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं। मैं अभी इसी में से आपको 330 ग्राम का प्रीमिक्स से बेस बना कर दिखाती हूं। मैं 330 ग्राम लेके आती हूँ दूसरे बाउल में, देखिए मैंने वेट किया, ये 330 ग्राम है, अब ये बच गया है। इसमें आराम से आपको 1/2 kg का केक बन जाएगा, 6 इंच के लिए 150 ग्राम हो जाएगा। अब मैं इसे क्या करूँगी, बाद में इसे किसी एयरटाइट डब्बे में करके मैं रख दूंगी। अभी क्या करूंगी मैं, इसी में इस प्रीमिक्स को डालूंगी क्योंकि बड़ी बाउल में तो अच्छे से मिक्स करनी बनेगी। और मैं इसके लिए पानी वजन करके लाऊंगी, इसमें जा रही, देखिए 330 ग्राम का है ये प्रीमिक्स, तो पानी जाएगा 210 ग्राम और तेल जाएगा 50 ग्राम, है ना। तो मैं 210 ग्राम पानी वजन करके भी ला दूंगी और 50 ग्राम पानी, सॉरी, और 50 ग्राम तेल। देखिए
मैंने पानी मिला दिया 210 ग्राम, अब मैं इसमें डालूंगी, इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे। आपके पास जो हैंड ब्लेंडर होता है, जो मशीन वाले इलेक्ट्रिक बीटर बोलते हैं उससे, वो है तो उससे आप अच्छे से मिलाएंगे, और नहीं तो मैं आपको बैलून मिक्सर से मिला के दिखाते हैं। इसे बोलते हैं बैलून मिक्सर। इसको हल्के हाथों से आपको, ज्यादा तेज नहीं, हल्के हाथों से आपको मिला दीजिए। बीटर है तो चला दीजिए 2 मिनट, नहीं है तो इसे थोड़ी टाइम लगेगा, पर इससे नहीं है। मैं आपको मिला इसे मिक्स करके 2 मिनट फिर दिखाऊंगी। देखिए मैंने इसको आराम से 1 से 1.5 मिनट मिला लिया अच्छे से। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ जाएगा तेल, यहाँ तेल जाएगा, ग्राम में लेना है तो तेल ग्राम में 50 ग्राम चलता है, नहीं तो 1/4 कप 50 ml का होता है, तो ये 1/4 कप मैं तेल ले लेती हूँ। हाँ फ्लेवर लेस तेल लीजिएगा, ना तो मूंगफली का ना तो मस्टर्ड का और ना ही पीली का तेल, ये मत लीजिएगा। सनफ्लावर लो या सफोला लो या सोयाबीन, देखिए ये 50 ml तेल गए। और हाँ इसमें जाएगा एसेंस, मैंने लिया है वेनेला एसेंस। अब एक काम करिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जाएगा मेरे को एसेंस हाफ टी एस पे वेनेला एसेंस। बस कुछ नहीं करना, अगर आपको ऑर्डर आ जाए पाइनएप्पल केक का, सब प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, एसेंस वेनेला की जगह पाइनएप्पल एसेंस, हल्का सा येलो कलर, कुछ भी चेंज नहीं करना, आपका पाइनएप्पल बेस बन के रेडी हो जाए। क्या करते मैं इसे फिर से मिला लेती हूँ। अच्छे से मिला लेते हैं। हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक टिन रेडी करती हूँ, अच्छे से तेल से ग्रीस कर बटर पेपर लगा करके मैं उसमें आपको डाल के दिखाती हूँ। टिन को ग्रीस करना और बटर पेपर कैसे लगाया जाता है, मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी डाल दिया है बेकिंग टूल्स में, तो फिर मैं पहले से ही बटर पेपर में लगा के रखी हूँ टिन में, मैं उसको लाती हूँ। देखिए ये मैंने पहले से टिन रेडी रखा था, ये मेरी 7 इंच की टिन है, ऐसे तो ये 8 इंच में जाएगी, पर मुझे थोड़ी हाइट चाहिए, इसमें हाइटेड केक बनेगी इसलिए इसमें थोड़ी सी हाइट चाहिए। अब मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जब तक मैं बना रही थी तब तक मैंने अपने ओटीजी को प्रीहीटेड करने के लिए रख दिया हूँ। मैंने आपको कढ़ाई में भी दिखाया है कि कैसे कढ़ाई में केक बेक होता है, मैंने अपने वीडियो पर वो भी डाला है। बस आपको यहाँ जो भी स्पॉन्ज चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ कलर और एसेंस चेंज कर देंगे, कलर डाल दीजिए और जो फ्लेवर चाहिए वो एसेंस हो जाएगी आपकी, उसी फ्लेवर का बेस रहेगी। देखिए ये हो गया, अब इसे कुछ नहीं करना, बस ऐसे टैप करना, ऐसे टैप करेंगे ना पूरा बबल निकल जाएगा। अब मेरा ओटीजी प्रीहीट हो गया 10 मिनट, मैं उसमें बेक करने के लिए रखूंगी, कम से कम इसको 170 डिग्री पर रखूंगी मैं 40 से 45 मिनट, तो मैं बेक करके लाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा केक कैसे बन के रेडी होगा। देखिए फ्रेंड हमारा ये होममेड प्रीमिक्स का केक बेक हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ना ये बेक हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये हमारा स्पॉन्ज बेक होके रेडी हो गया और रूम टेम्परेचर पर ठंडा भी पूरा हो गया। अब मैं इसे डीमोल्ड करती हूँ, साइड से बस अच्छे से नाइफ लगा लेंगे, अब इसे पलट देंगे। ये मेरी होममेड प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया। मैं आपको इसे दो पार्ट में कट करके भी दिखाऊँ, ये ऊपर की टॉप काट देते हैं। देखिए कोई बोलेगा कि होममेड की चीज़ों से बना है ये बेस, देखिए मैं आपको 3 पार्ट करके दिखाती हूँ। देखिए ये 1, ये 2, ये हमारी जो प्रीमिक्स मैंने बनाया था, ये देखिए हमारे 3, ये मिक्स बेस बनके ये आराम से 1 kg का आपको ऑर्डर है, तो इसी से ऐसे ही उठाइए इंग्रेडिएंट्स और प्रीमिक्स बनाइए और इसे बना के रख दीजिए, आराम से आपको ही चलेगा 1 महीने और आराम से आपको इस पर आइसिंग करके केक सेल कर सकते हैं और बहुत कम इसमें खर्चे लगते हैं, आपकी बचत अच्छी होगी।